रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? एक नई सुबह, एक नया दिन और उम्मीदों भरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद क्या है? जब ज़िंदगी है तो उम्मीद है, और उम्मीद ही इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। लेकिन वो लोग जो उम्मीद ही हार जाते हैं, फिर उनके लिए ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहता। फिर वो ये सोचते हैं कि जब कोई उम्मीद ही नहीं है, जब सिर्फ आगे अंधेरा नज़र आ रहा है, तो फिर ज़िंदगी को जो है वो ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन क्या ये लम्हा ज़िंदगी का, वो कमज़ोरी जो आपको मिल जाती है इमोशनली, क्या वो बहुत आसानी से आ जाता है? क्या वो एक लम्हे में इंसान ऐसा करता है कि अच्छा ऐसे ऐसे हो गया तो चलो मैं अपने आप को मार लेता हूँ? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को जो है वो सबसे कहते हैं ग्रेट क्रिएटर है, क्रिएशन है रब की बनाई हुई। जो इंसान है, अल्लाह ने इंसान को बहुत ताकत से नवाजा है, बहुत हिम्मत से नवाजा है, और सबसे बढ़कर जो उसकी विल पावर है वो उसको बहुत सपोर्ट करती है। और उससे भी एक लेवल अगर मैं आगे चली जाऊँ तो उसके जो लव वंस हैं, जो इर्द गिर्द उसके लोग मौजूद होते हैं, उसके माँ बाप हैं, उसके दोस्त हैं, और उनसे भी बढ़कर जो उस्ताद होता है वो एक स्टूडेंट को ये बता रहा होता है कि तुम तो हीरा हो, तुम्हारे अंदर तो जो कुछ मौजूद है मैं हूँ ना मौजूद तुम्हारी सलाहियतों को बाहर निकालने के लिए। लेकिन क्या आज के मुआशरे में हर उस्ताद अपने शागिर्द के साथ इस तरह का किरदार अदा कर रहा है? अगर मैं ये सवाल आज आपसे पूछूं तो यकीनन आप भी एक लम्हे के लिए सोचेंगे कि शायद आज के दौर में ऐसा है नहीं। उस्ताद वो है जो बच्चे के अंदर छुपे हुए टैलेंट को ढूंढता है, उसको मोटिवेट करता है, चाहे वो ए ग्रेड स्टूडेंट हो या ना हो, लेकिन वो ये कहता है कि इस शख्स को मैंने इस तरह पॉलिश करना है कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़कर किसी लेवल पर जा सके, इसकी मोटिवेशन ना ख़त्म हो सके। लेकिन ये तमाम चीज़ें इतनी बिखरी हुई क्यों हैं? एक केस हुआ जिसमें एक स्टूडेंट जो हमदर्द यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, बकौल इसके कि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, अब्दुल बासित उनका नाम है, और उन्होंने जो है दो बातें इस वक्त सामने आ रही हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद। एक तो ये कि उन्होंने अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगा दी, पेट्रोल पी लिया, और दूसरी चीज़ ये कि उन्हें वहाँ पर जलाया गया। ये दो मौक़िफ़ हैं जिस पर इस वक्त बात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, ये तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें आज मैं जो हूँ मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है, और जहाँ तक मुझे ही पता चला है, क्योंकि जब आप खबरें जमा से आपको कोई खबर मिलती है, कहीं से कुछ मिलता है, मुझे ये पता चला कि जो बासित हैं ये कई बार जो है सेम एग्ज़ाम में फ़ेल हुए थे, और उसके बाद जो है वो इन अपनी सारी कहते ना हिम्मत वो खो चुके थे। लेकिन क्या यहाँ तक पहुँचने के पीछे जो है कितने सारे फैक्टर्स होंगे? उसका माइंडसेट क्या हो गया होगा? वो सोसाइटी के कौन से प्रेशर्स में होगा? क्या कभी किसी उस्ताद ने उसके साथ बैठकर उससे पूछा कि बेटा मसला क्या है, तुम परेशान क्यों हो? अगर तुम ये नहीं कर सकते तो चलो कोई बात नहीं, किसी और रास्ते की तरफ चलते। कितनी बार उन उस्तादों ने उसके पेरेंट्स को बुलाया होगा, उनसे मीटिंग की होगी, कहा होगा कि आपका बच्चा जो है वो क्यों परेशान है, आपके घर में कोई प्रेशर है या क्या है जिसकी वजह से ये बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा? ये चीज़ें आज हमने सोसाइटी में लैग कर दी। दुनिया भर में आप चले जाएं, अब वहाँ पर ये बुक्स का सिलसिला नहीं है। हमने वो 57 में जो अंग्रेज़ हमें सिखा गए, हम आज उसी को फॉलो करते हैं, वही हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है। अब लोग प्रैक्टिकल करते हैं, लोग जो हैं वो रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, और हमारा टीचर क्या कहता है, जिसने जितनी सप्ली लगाई है वो उतना अच्छा लिख रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आज स्कूल सिस्टम पर भी बात करूँगी, जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं उन पर भी मैं बात करूंगी कि आखिर ऐसा है क्या, जो हमारे मेमार हैं वो खुद अपने चिराग क्यों बुझाते जा रहे हैं? 1 मिलियन से ज़्यादा लोग एक साल में खुदकुशी कर लेते हैं। मैं यंगस्टर की बात कर रही हूँ जिनकी एज तकरीबन 28 साल तक है, और बदकिस्मती से रिपोर्ट ये कहती है कि 2020 तक जो है ये नंबर तकरीबन 1.5 मिलियन से भी आगे बढ़ जाएगा अगर हमने अपने बच्चों को नहीं संभाला। इस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस तरह के बेशुमार केसेस को जो है वो हल किया है। मैं तो हैरान रह जाती हूँ जब खबरों में सुनती हूँ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और ये तो वो हैं जिनको रब ने बड़ी, मैं कहती हूँ, ताकत होती है इनके कलम में, कहते हैं वैसे सहाफ़ी के पास ताकत है, ये फैसला करते हैं कि कौन हक पर है और कौन जो है वो कल्प्रिट है। और आप इनको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इनके प्रोग्राम्स
बड़े हिट रहे, इन्होंने अपने प्रोग्राम में ही जो है लोगों के फैसले किए, लोगों को सुकून दिया, उनकी ज़िंदगी में इंसाफ लेकर आए। मेरे साथ मौजूद है जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नबीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ख्वाजा साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं। इसके साथ साथ एक और ऐसी शख्सियत जिन्हें आपने मेरे प्रोग्राम में पहले भी देखा है, बहुत मसरूफ़ रहते हैं, काम बहुत है। कहते हैं ना कि स्टेट जहाँ एक तरफ चल रही होती है, वहीं कानून जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आज कानून हो या फिर हमारी फोर्सेस हो, वो कोशिश तो कर रही हैं कि स्टेट को बेहतर चलाया जा सके, लेकिन ये जो एक चेहरा है हमारे मुआशरे का, इसको बेहतर करने के लिए ये क्या किरदार अदा कर रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ुल्लाह कुरैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है साउथ, आप कैसे हैं सर? खैरियत? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ख्वाजा साहब ये बताइए कि एक तो ये केस है जो अब्दुल बासित का, जिसकी वजह से मैं ये कहूँ, वैसे तो मौका क्या मिलना, किसी एक शख्स की जान चली गई, और अगर हम ये बोलें कि हम आज उस मौके पर बैठकर ये बात डिस्कस करें तो ये जुमला ही नामुनासिब होगा। लेकिन एक लड़का जो इस लेवल तक पहुँचा, यूनिवर्सिटी तक भी पहुँचने के लिए आपको बड़े एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने मॉन्टेसरी पढ़ी और उसके बाद आप कहें यूनिवर्सिटी आ जाओ, कुछ तो उसकी सोच होगी ना, उसके कुछ तो गोल्स होंगे। एक 27-28 साल का लड़का जो है, अब उसने घर भी चलाना है, फाइनेंसर भी है, शादी भी करनी है, सब चीज़ें, एक जब खुद सोजी कर लेता है या इस लेवल पर पहुंचता है, उसका माइंडसेट क्या होगा, उसके पीछे क्या फैक्टर्स होंगे? आपने माशाल्लाह बड़ा ही रिच किस्म का अपना इंट्रो दिया है, और उसमें आपने एक्चुअली जो सारा सोशल प्रॉब्लम है वो खुद ही डिस्कस कर दिया है। क्या है कि वो कहते हैं ना कि कुछ तो सबब हादसा होता है, हादसा यूं रूनुमा नहीं होता, बेशक बेशक, ठीक है। और वो एक और भी है कि वो क्या था कि एक और शेर है, हाँ क्या, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया, बड़ा आला शेर है वो। तो क्या है कि इसमें कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन हार दिया, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। तो ये पीछे कोई बैकग्राउंड्स होती हैं। अब ये जो आपने वाकया बताया, पहले तो आपको जो ये साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं वो बताएंगे कि जो लोग खुदकशी करते हैं वो बेसिकली एक्यूट डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और उस डिप्रेशन में वो टेंडेंसी आ जाती है खुदकशी करने की। अच्छा। अभी ये डॉक्टर आसिम की जो एप्लीकेशन लगी कोर्ट के अंदर और उसमें जो रिपोर्टें उन्होंने दी, वो भी डिप्रेशन का, उन्होंने कहा कि वो एक्यूट डिप्रेशन का शिकार है, बड़ा खौफ है कि कहीं ये खुदकशी ना कर लें, तो पुलिस ने जान छुड़ाने के लिए उनको हॉस्पिटल में जमा करा दिया, ठीक है ना, कि भाई हमारे से जान छूट जाए। तो अब क्या है कि इस बच्चे के साथ जो वाकया हुआ है, ये तो खैर अभी डिस्कस करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही वाकया जब मैं हाईकोर्ट का जज था तो मेरे पास आया था इस बच्चे का, जो हमने सुना कि वो कमरे इम्तिहान में लेट पहुँचा, कमरे में ये है कि पेपर ख़त्म हो चुका था उसके बाद पहुंचा है वो, मतलब अगर ये ना कि एग्जाम का आपका टाइम है इन बिटवीन भी आ जाए तो टीचर थोड़ा सा डांट के या उसको ये कहे कि अब तुमने अपना टाइम जो जाया कर दिया वो जाया कर दिया, अब इतना बचा है इसमें। अच्छा अभी इन्वेस्टिगेशन जा रही है, मैं भी कुरैजी साहब की तरफ भी आऊंगी तो वो हमें एग्जैक्टली जो सिचुएशन है, क्योंकि पूरी बात तो ये हमें भी नहीं बताते मीडिया से, ये लोग पता होगा नहीं वो बताएंगे। असल में जो हमने अखबारों में पढ़ा है उसमें तो ये था कि कुछ थोड़ा लेट था, और जो वहाँ एग्जामिनर थे उन्होंने उसको अकोमोडेट नहीं किया, हाँ। कि भाई चलो इतनी दूर है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी या पता नहीं कहाँ था उसका, नाजमाबाद कैंपस में हुआ है, नाजमाबाद कैंपस था। तो अब वो बहरहाल यहाँ इतना ट्रैफिक है, हम ये रोज टॉक शोज में जाते हैं, आप यकीन करें कि एक सेगमेंट गुजर जाता है फिर वक्त में जाके बैठते हैं, इसलिए कि ट्रैफिक इतना होता है कि आदमी पहुँच नहीं सकता। तो अब अगर वो बच्चा लेट आ गया तो जो भी मुंतजमीन थे, आपकी बात दुरुस्त है, तो उसको रेप्रीमेंड करके डांट पीट के उसको बिठा देते और ये कर देते कि भाई तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, अब तुमने जितना करना है इसी में कर दो, तो वो बात हो जाएगी। अब आपने बताया कि उसकी हिस्ट्री ये थी कि वो पहले भी फेल होता हुआ ही आया, तो अब शायद इस दफ़ा उसने बहुत अटैम्प्ट की हो, तैयारी की हो कि मैं पास हो जाऊँगा, और इस दफ़ा उसके साथ बैड लक ये हो गई कि उसको इम्तिहान में बैठने से इनकार कर दिया गया, तो मीन्स एक दफ़ा और फेल। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं प्लस उसके अंदर वो बीमारी होगी, क्योंकि जो मैंने पहले शेर पढ़ा, आप हमेशा शेर पढ़ने से मना करती हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ तो सबब हादसा होता है, हादसा यूँ ढूंढ हुआ नहीं होता, तो पीछे को बैकग्राउंड थी, उस बैकग्राउंड पर उस बच्चे ने इसमें खुदसोजी कर ली। खुदसोजी याद होगा ये केस, मैं हाईकोर्ट का जज था, 2008 की बात है,
तो मुस्लिम कमर्शियल बैंक का कोई रिकवरी अफसर एक बंदे के पास न्यू कराची में कहीं पहुंचा। उस बंदे ने शायद कुछ 40,000 रुपया लोन लेके अपनी माँ के मकान के कागजात मॉर्गेज करके दिया था, ठीक है। और उसी इलाके में कोई आईटी की दुकान खोली थी, वो दुकान उसकी नहीं चली, वो किस्त नहीं भर सका, डिफॉल्टर हो गया, वो 40,000 का लोन बढ़ के पता नहीं 60-70,000 हो गया। अच्छा, अब वो जब रिकवरी वाले आए तो वो जो बंदा आया स्कूटर पे, उसने उसको बाहर बुलाया घर से और उसने कहा कि ये तुमने नहीं दिया तो अब मैं ये मकान जो है रिपोजेस कर लूंगा। अच्छा, ये बैंकर्स ने उनको कहा, वो जो रिकवरी ऑफिसर थे, हालांकि उसको कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है ये। अच्छा, उसने उसको कहा कि आज हम मकान का कब्जा ले लेंगे और इस तरह से उसको धमकियां देके गया। वो बच्चे को ये हुआ कि मेरी माँ बेवा है, उसका एक ही सर छुपाने की जगह है और मेरी गलती की वजह से आज उसकी जगह भी जा रही है। वो इस बंदे के साथ उसने डायलॉग किया, अंदर गया, कमरा बंद किया और अपने आप को गोली मार दी, मर गया। इलाके के उसकी माँ ने वावेला किया कि भाई इस आदमी के आने के बाद इसने गोली मार दी है। सही। अब वो मोहल्ले वाले सारे थाने चले गए, थाने वालों ने भी FIR काट दी। अच्छा, FIR काट दी, बड़ी बात है, और वो बड़ी बात है, इतना बड़ा एजिटेशन हो गया पूरे इलाके में। अच्छा जी, उन्होंने उसमें कर दी। अब 300 पता नहीं दो की थी FIR क्या, हालांकि वो 302 बनता नहीं था, सेशन जज ने बेल रिजेक्ट कर दी। अच्छा, मैं हाईकोर्ट का जज था तो बैंक का वकील आया उस बंदे की बेल लेके, मैंने बेल सुनी तो वहां जो आगे वो कला बैठे थे, सीनियर वकील थे सब, तो मैंने कहा कि देखे बात यह है कि लीगली इस बंदे का शायद केस ना बनता हो, लेकिन मॉरली जो इस बंदे ने हरकत किया इसकी वजह से जवान बच्चा मर गया और उसको झूठ बोला कि हम तुम्हें मकान से निकाल देंगे, तुम्हारी माँ का मकान, तो इतने प्रेशर में आ गया उसको, इतने प्रेशर में आया कि उसने सुइसाइड कर ली। तो मेरा दिल नहीं मानता मैं इसको भेज दूं। आप यकीन करें उस कोर्ट में उस वक्त 50-60 वकला बैठे थे। अच्छा। सब ने यक जुबान होकर कहा कि सर ना दे। तो जो उसका मुल्जम का अपना वकील खड़ा था उसने भी कहा सर रहने दे, तो मैंने बेल रिजेक्ट कर दी। Right. बाद में उसकी सुप्रीम कोर्ट से बेल होगी, वो होनी थी, लेकिन आपने तो अपनी मोरली जो आपकी रिस्पांसिबिलिटी थी, मैंने उधर किया, हालांकि हमें वहां लीगल जॉब करनी होती है, लेकिन वहां सारे लोग कह रहे थे कि इसको बेल नहीं देनी। सही, ये तमाम सब चीजें आती हैं जरूर, लेकिन उससे पहले एक इंसानियत भी है, फिर जो हमारी दीन की तरबियत है वो सबसे पहले है, वो हमारे ईमान का हिस्सा है, और जब वो खत्म हो जाती है तो फिर सिर्फ शायद एक वजूद रह जाता है, तो इंसान नहीं रहता फिर उसमें। और यहाँ पर जो फैजुल्ला कुरैजो साहब मौजूद है, मैं इनसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो अब्दुल बासित वाला केस है, आखिर ये खुद सोजी है या ये मर्डर है? ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से जारी है, सर हमें आगाह करें कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है और क्या इस वक्त पिक्चर सामने आई है। सना, मैं इसमें केस में अपडेट इतना नहीं हूं इस वक्त, लेकिन लाजमी जो वाकयात हैं इस वक्त जो बताए गए हैं जो मीडिया में आए हैं कि इसका एग्जाम्स का टाइम जो था वो 11 से 1 बजे तक था जी, और जो रिपोर्ट सबमिट हुई है और जो मीडिया ने कोट भी किए हैं कि वो अपने एग्जाम से आधा घंटा टाइम खत्म होने के आधा घंटा बाद पहुंचा, 1:30 बजे के करीब अगर डेढ़ पहुंचा है एंड ही हैज प्रोटेस्टेड, तो वहां पर प्रिंसिपल के पास गया है और प्रिंसिपल को उसको रिक्वेस्ट किया है, तो उन्होंने कहा है कि बेटा हम आपको नहीं बिठा सकते, यू शुड गो फॉर दी गो एंड रिक्वेस्ट दी एडमिन, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं। फिर वो जो निजामाबाद में जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन दफ्तर था वहां आया और वहां उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट हुई है, तो उसके बाद ये वाकया हुआ है। अब अगर जो पेट्रोल के साथ जो बर्निंग होती है, जो सुसाइड होता है, जो जनरल एक पैटर्न हुआ है, रिपोर्ट होता है प्रेस क्लब के सामने, या लोग फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को आग लगाते हैं, तो ये कोई रात का टाइम नहीं है, ये दिन का टाइम है, और डेफिनेटली उस बच्चे ने कहीं ना कहीं से पेट्रोल हासिल किया होगा, पेट्रोल अपने ऊपर डाला होगा, फिर लाजमी उसको इग्नाइटर चाहिए, उसने माचिस जलाया होगा, तो मेरे ख्याल में जो इन्वेस्टिगेटर उस पर काम कर रहे हैं वो बहुत जल्द इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। सर मैं तो एक आम इंसान हूँ, ना मुझे लॉ समझ आते ना, क्योंकि मैं इसकी स्टूडेंट नहीं, मैं इतना जानती नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक शख्स जब जल रहा होगा या उसने जब ये सब चीज़ें की होंगी, ये कोई अकेले कमरे में जाके उसने ये काम नहीं किया, ये यूनिवर्सिटी के बीच मैदान में ये तमाम चीज़ें हुई हैं, लोग नहीं आए, कोई खाली पेपर हो रहा था, पेपर हो चुका था, लोग निकल रहे होंगे, जा रहे होंगे, गार्ड होगा, ये सब चीज़ें भी एक तरफ, आप जो शोर मच रहा है कि उसने सुसाइड की, ये कह रहा है मर्डर है,
उस यूनिवर्सिटी में कैमरास क्यों नहीं लगे थे जब ये असेंबली से बिल पास हुआ है, गवर्नमेंट ने ये लॉ ये इम्प्लीमेंट करने को कहा है कि हर स्कूल में, क्योंकि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे इसकी वजह से यूनिवर्सिटी स्कूल्स में ये कहा गया है कि आप कैमरास लगाएं, यहाँ कैमरा भी नहीं था कि हम ये जान सकें कि आया उस बच्चे के साथ हो क्या गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम बात ये कह रहे हैं कि एक जो केस आपके सामने आया है मीडिया में, उसको डिस्कस भी किया जा रहा है, अब्दुल बासित जिसने जिसके बारे में, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो हम भी कोई हतमी बात नहीं कर सकते, यहाँ पर भी जो बात हो रही है वो उतनी है जितनी हम तक पहुँची कि आया वो सुसाइड की गई या फिर जो है वो मर्डर था। बट द पॉइंट इज़, मेरा जो मकसद है, मेरे यहाँ पर दो बहुत ही रिस्पेक्टेबल मेरे गेस्ट भी मौजूद हैं, फैज़ुल्लाह कुरेजो साहब हैं, इसके साथ साथ जो है हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब हैं। मैं बात ये कह रही हूँ कि एक शख्स जब सिर्फ मेरा जानना मेरा मुद्दा यह है कि एक इस लेवल तक पहुंचता है तो वो फैसला कोई एक लम्हे में नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी जो वजह बनती है और जिसकी वजह से एक इंसान जो है अपना सब कुछ आगे का खोकर ये फैसला करता है कि मुझे आज अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठना है। सर, ये जो हमने देखा जो आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हादसा हुआ जो स्कूल में, वो नहीं होना चाहिए था लेकिन हम बदकिस्मती से वो सब भी हमारी आंखों ने देखा। उसके बाद भी फैसला कर लिया गया था कि तमाम स्कूल्स में तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सीसीटीवी कैमराज लाजमन होने चाहिए, थ्रेड्स आ रहे हैं, कभी आप हाई अलर्ट कर देते हैं तो ये 25-25 हज़ार रुपये मॉन्टेसरी के बच्चों की फीसेस ले रहे होते हैं, ठीक है, और लेकिन इनके पास कैमराज लगाने के पैसे नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती जामे नहीं, आपके? पैसे तो खैर होंगे लेकिन ये इंसान हर जगह बचत करता है। हाँ। लेकिन इसमें अब ये है कि स्कूल वालों को, कॉलेज वालों को, यूनिवर्सिटी वालों को और दूसरे भी जो लोग हैं, इवन सारे शोरूम्स वाले जो पब्लिक प्लेसेस जितने भी हैं, एग्जैक्टली, अपनी जान के लिए, दूसरों की जान की हिफाजत के लिए अब ये थोड़ा सा खर्चा कर लें। क्योंकि एक दफा जब कैमरा लगा होगा, आप बाहर मुल्कों में जाएं तो वो उसमें कैमरे लगा के फिर उन्होंने एक बड़ा सा स्टिकर लगाया होता है शीशे के ऊपर, यू आर बीइंग वॉच्ड बाय सीसीटीवी कैमरा, ताकि अगर कोई आदमी चोरी वोरी करना चाहे या कुछ चीज उठा के जेब में डालना चाहे तो उसको ये पता हो कि मैं कैमरे में वॉच हो रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या होता है कि वो जो स्टोर होता है, मैंने देखा है उनके फिर पीछे एक कमरा होता है, उस कमरे के अंदर 15-20 टीवी लगे हैं। हाँ, जो सब मॉनिटर कर रहे हैं और दो बंदे बिठाए होते हैं उन्होंने, वो सिर्फ ये देखते रहते हैं कि वो रोज बनी होती है ना ऐसे शेल्फ की, तो हर शेल्फ की रो का एक कैमरा है। अच्छा, वो बंदा उस रो में ये समझ रहा होता है कि मैं बिल्कुल एक अकेला हूँ, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, उसने चीज उठाई जेब में डाली, वो कैमरे में इस तरह नजर आ रहा होता है। मैंने जिसमें गया था उनकी स्क्रीन भी बहुत बड़ी बड़ी थी, तो ऐसे लग रहा है जैसे वो आपके सामने ही डाल रहा है और वो एक सेकंड में बंदे को पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह होटल्स जो है उनका वो लंबा कॉरिडोर होता है, एग्जैक्टली, वहां पर भी कैमरे लगाए होते हैं। मैं एक दफा वो उसके साथ बैठा था, होटल के मैनेजर के साथ, ये बात है न्यूयॉर्क की, तो वो पाकिस्तानी था, तो वो हमें अपने मैनेजर अपने कमरे में ले गया, तो वो फौरन अपने बंदे को इंटरकॉम करके कहता है, ओए देख वो काला है, वो उस ताले को क्या कर रहा है, उसके कमरे को हाथ लगा रहा है, जल्दी पहुंच। तो वो उसको, उसकी तरफ था कैमरा, उसको नजर आ रहा था कि उस कॉरिडोर में कोई काला किसी के कमरे का वो चेक कर रहा था लॉक, एंड ही कुड सी इट। उसने इमीडिएटली अपने सिक्योरिटी वाले को वहां भेज दिया। तो कैमरा लगाने की बड़ी जरूरत भी है और इसके फवायद कितने ज्यादा हैं। सही कुरेजी साहब, ये बताइए, जो हमारी सड़क रांची शहर की बात करूँ या मैं बाकी बड़े शहरों की बात करूँ, यहाँ पर भी ये बात कही गई कि आप सड़कों पर हमारे कैमराज लगे हुए काम भी करते हैं या ये इनको कभी आप लोगों ने चेक किया है, जो कोई कभी जुलूस हो या कुछ हो और खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो ये बड़े हेल्पफुल साबित होते हैं कैमराज, तो हमारे शहर के कैमराज काम कर रहे हैं? कराची में, कराची पुलिस के पास एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसके कैमरे मौजूद हैं और जहां पे जिस तरह अच्छे कैमरेज हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो काम जो आप करते हैं वो अच्छे तो हैं लेकिन। जी मैं अर्ज करता हूं, जो आपने एक बात कही कि कवरेज की, हाँ। तो वो डेफिनेटली उनकी कवरेज जो है वो मेन रोड्स पे है और जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, जो रेड एरियाज हैं, जहाँ पे जुलूस हैं, पब्लिक गैदरिंग्स हैं, वहाँ पे लगे हुए हैं। उसके अलावा हमारा ट्रैफिक का पूरा जो मैकेनिज्म है उसके अपने कैमरे हैं, उनका कंट्रोल सिस्टम अलग है।
और एक पुराना एक और भी सिस्टम है जिसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कैमरेज हैं, तीन यहाँ पे हमारे कंट्रोल कमांड सिस्टम है। ठीक है, लेकिन इशू आपस में इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से? जी बिल्कुल कनेक्टेड है। इशू है कवरेज की। तो ये एक बहुत बड़ा शहर है, अगर आप उसकी कवरेज देखेंगे तो वो पूरे शहर को कवर नहीं कर। सिर्फ मेरा इस वक्त ये कहना, जी रशीद गोडियल के केस में कैमरे ने हेल्प की जी, और उसमें इन्वेस्टिगेशन करने में बड़ी मदद मिली और वो बंदे पकड़े गए। बिल्कुल, मैं सिर्फ इसलिए ये कह रही हूं, रिसेंटली केस हुआ है, उसमें भी कैमरे ने बंदे पकड़े, आइडेंटिफाई किए और पुलिस ने पकड़ लिया। अभी मेरे पास भी एक केस आया था कुछ अर्से पहले, बल्कि हमारे पास के हमने डिस्कस किया, वो एक गार्ड ने एक बच्चे को जो है वो बैक से गोली मारी और उसके बाद वो बच्चा ऑन स्पॉट जो है, उसकी 11 साल का बच्चा था, गार्ड ने कहा इसने मुझे आके डराया था। अब अगर वहां पर पहले उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने ये सब किया है, उसके बाद वो उसको जब वकील ने कहा होगा वो मुकर गया कि अब वहां कैमराज लगे थे वो काम नहीं करे थे। अगर वो एक कैमरा की आपको फुटेज मिल जाए तो आप सोचे मिनट्स में आपने उस हर केस को हल कर दिया। सिर्फ मैं यही बात, कैमरा जो है वो एक वाइटल, ये सरफराज मर्डर केस जो था जी रेंजर वाला, तो उसमें किसी एविडेंस की जरूरत ही नहीं थी, उसमें डेथ सेंटेंस रिकॉर्डेड नहीं, वो आए हुए थे आवाज टीवी वाले आए हुए थे अपनी कुछ शूटिंग करने। अच्छा। इतने में उसने वाकया देखा तो उसने उधर वो लगा दिया, राइट, वो पूरी रिकॉर्ड हो गई, हाईकोर्ट में पेश हुई, हाईकोर्ट ने उसके ऊपर डेथ सेंटेंस दी, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट लेके गया उस केस को, तो उसको हमने सेंटेंस रिड्यूस कराई। ठीक है, लेकिन अगर वो कैमरा ना होता तो वो केस बरी हो जाता। ठीक है। अच्छा, ये जो एक फैक्टर है जिस पर हमने बात की, जिससे एटलीस्ट आपको इन्वेस्टिगेशन में बड़ी हेल्प मिल जाती है और लोग भी डरते हैं कि कोई चीज़ गलत की जाए, लेकिन जो आज हम बात करें, जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि आखिर हमारे मुआशरे में ये सुसाइड का बढ़ता हुआ रुझान है क्यों। हम कहते हैं कि हम तो चलो तरक्की पजीर मुल्क हैं, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर भी लोग जो है वो सुसाइड करते हैं, और कहीं ज़्यादा तादाद में जो है वहाँ पर भी लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि खवातीन से कहीं ज़्यादा मर्दों की तादाद है जो अपने आप को खुदसोजी करते हैं, या इस तरह का जो क्या कहते हैं कीड़े मारने वाली अद्वियात होती है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, ख़ुद को लटका देते हैं, ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं, खुदसोजी करते हैं। सर ये आप मुझे बताएं, आपने तो इस तरह के बेशुमार केसेस देखे हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं कि अपने आप को, एक तो ये हराम मौत हमारे दीन में कि आपने खुदकुशी की, लेकिन जब आप खुदसोजी करते हैं तो आप अपने आप को मरते हुए भी इतनी अजियत दे रहे हैं, हल्की सी स्टीम भी लग जाए आपको तो आपको इतनी तकलीफ होती है, ये माइंडसेट क्या होता होगा कि लोग इस लेवल पर पहुंच जाते हैं? सना मेरा ख्याल है कि वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाता है। हाँ। एक स्टेट ऑफ माइंड है। जहाँ तक आप केस टू केस डिस्कस करेंगी तो उसका बैकग्राउंड बहुत मुख्तलिफ निकलेगा। ठीक है, कहीं पे मैट्रिमोनियल इश्यूज हो सकते हैं, कहीं फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कहीं सोशल प्रेशर्स हो सकते हैं, कहीं पे कोई रिलीजियस कोई प्रॉब्लम हो सकता है। हमने बहुत मुख्तलिफ देखे हैं रवैये, बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट डायमेंशंस में आते हैं। समटाइम्स वो अपने आप को डैमेज करते हैं, अपने आप का नुकसान करते हैं, लेकिन कभी कभी वो दूसरों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। सो ऐसे ही भी पैटर्न सामने, क्राइम पैटर्न सामने आए हैं कि बहुत से और लोगों को हलाक करने के बाद जो है बंदा वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन अगर आप केस टू केस बेसिस पे जाएं और किसी इंडिविजुअल केस को देखें, आपको इसमें हैंगिंग नज़र आएंगी, आपको गन शॉट शॉट करते नज़र आएंगे, आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम के इश्यूज के लोग नज़र आएंगे। मैंने ख़वातीन के सुसाइड्स भी देखे हैं जो बिल्कुल एक वर्किंग लेडीज़ हैं, पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, लेकिन सुसाइड किया है। जब उसके पैटर्न के अंदर जाते हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, फाइनेंशियली वेल ऑफ भी है, लेकिन कोई कोई साइकोलॉजिकल फैमिली प्रेशर बन जाता है। कोई बहुत दफ़ा हमने केसेस के अंदर मिडिल क्लास लोग भी देखे हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर हैं, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, फैमिली का प्रेशर है, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, और यहाँ तक भी हुआ है कि देखा गया है कि जी अपनी फैमिली को खत्म कर दिया है, फिर अपने आप को सुसाइड किया, अपनी सुसाइड से पहले घर को आग लगा दी है। तो ये एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आने के बाद ये लोग करते हैं। और फिर मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बड़ी एक इमोशनल होती है, कि जब आप खासकर बर्न के केसेस, जब आपने ऊपर पेट्रोल डाल के हलाक करने की कोशिश करते हैं तो इमिडिएटली बंदा हलाक नहीं होता, और ही एंड सब इन बर्न स्पॉट। तो हम लोगों ने वहाँ पे भी इनकी स्टेटमेंट्स ली हैं, क्योंकि वो एक पीरियड होता है, एक 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 फेज होता है कि आग अपने आप को लगा दी। हाँ। जिस तरह बासित की बात हुई तो 85-86% बर्न्स है, 86 बर्न जो है नो रिटर्न है, 33/4% अगर आप 3/4 फ्रैक्शन में अगर आप बर्न हो जाए
तो अल्टीमेटली यू हैव टू डाई। यस, तो वो जिंदा होता है, दो चार घंटे दस घंटे जिंदा होता है, उसमें हम लोगों ने इसके स्टेटमेंट लिए हैं, तो फिर अंदाजा होता है कि तो मैं स्टेटमेंट क्या क्या कहते हैं वो कि मैं किस वजह से मैंने वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, फ्रस्ट्रेशन डिसअपॉइंटमेंट की हाइट होती है सही, और बाजू का जो करते हैं वो रिमोर्स भी शो करते हैं, गम अफसोस भी होता है कि मैंने क्यों किया, फिर पेरेंट्स वहां पहुंच जाते हैं, रिग्रेट होता है, ऐसा क्यों, लेकिन नो रिटर्न है। अगर बर्न का रेशो ज्यादा है तो आपकी बॉडी जो है वो सारा रिएक्ट नहीं करती। लेकिन सर ये बताएं क्रिश साहब, आप भी इस पे कमेंट कीजिएगा कि जब आप उनकी बात सुनते होंगे तो आप कहते होंगे इस वजह से तुमने ये कर लिया, ये क्या बात है, ये तो कोई मसला ही नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, वो पानी गिरता रहता है तो वो एक वक्त में उस पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो जब आपको कंटिन्यू प्रेशर मिल रहा हो, लाहौर में भी इस तरह का एक केस हुआ आज से कुछ अर्से पहले कि फैमिली जो है पेरेंट्स चाहते थे कि भाई हमारी फैमिली में बाकी सारे भी इंजीनियर्स हैं, मेरा बेटा भी इंजीनियर बने, अब वो नहीं बनना चाहता था, आप उसको ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अब जब वो चाहता नहीं है तो वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा। अब वो माँ बाप हमारे अक्सर शादी का मामला हो या ये एजुकेशन का मामला हो, हम ये सोचते हैं कि मैंने अपनी फैमिली में मुंह देना है, इसकी वजह से हम अपने बच्चे को इतना प्रेशराइज करते हैं। फिर वो कहता है अगर मैं माँ बाप के खिलाफ जाऊँगा तो वो भी मेरी तरबियत नहीं, और मैं इनकी मर्जी ना मानूँ तो उसमें भी मुझे सुकून नहीं। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसने भी जो है अब वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, और उसके बाद माँ बाप के हाथों में क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। फिर वो सारी ज़िंदगी क्या, कौन से माँ बाप होते होंगे, उनके अंदर हिम्मत कैसे आती होगी जब वो अपने जवान औलाद का जनाजा उठाते होंगे। उसके बाद तो मेरे ख्याल से सिर्फ वो चलते फिरती जो हैं वो लाशें ही रह जाती हैं, उनके अंदर ज़िंदगी नहीं रहती। तो हमें इस फैक्टर को भी ज़रूर देखना है कि फैमिली प्रेशर ना दें, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, और इसमें एक हमारे सेशन जज होते थे उस वक्त, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने, उनका MBBS का स्टूडेंट लड़का डाउ मेडिकल कॉलेज का, ही हैड कमिटेड सुसाइड, यही फैमिली प्रेशर और ये उसकी वजह से, और बड़ा सख्त दुख हुआ था, और अकलौता बच्चा था। और शाहनवाज भुट्टो का भी जो वाकया है जी, तो उसमें अब आपने वो जो बात की ना कि इतनी यूनिवर्सिटी थी और उसकी किसी ने मदद नहीं की आग बुझाने की, कोई कंबल डाल देता, कोई कोट डाल देता, कोई मट्टी डाल देता, किसी ने मदद नहीं की। ये जो शाहनवाज भुट्टो की बीवी को सजा दी थी फ्रांस के मैजिस्ट्रेट ने, उसको कत्ल करने पर सजा नहीं दी थी, उसके ऊपर जो चार्ज फ्रेम हुआ था वो ये हुआ था कि उसके पास साथ वाले कमरे में एक शख्स करा रहा है और जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, उसकी मदद नहीं, तुमने उसकी मदद नहीं की, तुमने वहाँ वो 99 होता है, 99 होता है, उसमें फोन नहीं किया। सर मुझे ब्रेक लेना है एक, आई एम सो सॉरी आपको मैं कट कर रही हूँ, इस वक्त मैं इसी बात से वापस आऊंगी, मुझे भी यूहन्नाबाद लाहौर में भी ऐसे ही एक हादसा हुआ था, बात करते हैं ब्रेक से, दो साल ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए, सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे मुआशरे में खुद सोजी का बढ़ता हुआ रुझान, लोग जो सुसाइड अटैम्प कर रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है, ये चीज़ बढ़ क्यों रही है, और कहते यही हैं कि वक्त के साथ साथ जो है इसमें इस रेशो में और जो है ऊपर जाएगा ये, बल्कि कमी नहीं आएगी, ये एक और तकलीफदेह मामला है। अभी ख्वाजा साहब जिक्र कर रहे थे कि एक शख्स जल रहा था और बराबर वाले कमरे में उन्होंने हेल्प के लिए बात की। सर ये अभी जो लाहौर में हादसा हुआ था आज से कुछ अर्से पहले, जब सामने लोगों को जलाया गया तो लोग सर्कल में खड़े हुए वहाँ वीडियोज़ बना रहे थे, आप मुझे बताएं वो इंसानियत है, इंसानियत से गिरा हुआ अमल। मैं तो कहती हूँ जितने लोग वहाँ मौजूद थे उन सबको सजा होनी चाहिए। चलिए आप बताएं गुरु साहब, ये कौन से लोग हैं कि जब इस तरह की कोई चीज़ हो रही होती, आप लोग भी जाते होंगे, आप लोगों की भी आंखें नम हो जाती होंगी कि आखिर हैं तो इंसान ही ना आप लोग, कि ये क्या हुआ। जो वहाँ पर सिविलियंस खड़े होते हैं वो बनिस्बत इसके कि उसकी हेल्प करें, उसको उस तकलीफ से निकालें, आग बुझाएं, पानी डालें, लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, ये हम कहाँ खड़े हो गए। बेसिकली अगर आप सियालकोट का जो लिंचिंग वाकया हुआ उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप किया और बड़े लैंडमार्क किस्म का लैंडमार्क एक जजमेंट भी आया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप किसी मौके पर खड़े हैं, आप मौजूद हैं, तो आपकी मोरल लीगल एथिकल ये जिम्मेदारी है कि आप उस बंदे की हेल्प करें। लेकिन समटाइम्स जो हम देख रहे होते हैं पुलिस के अंदर कि मॉब साइकोलॉजी ऐसी होती है कि एक मॉब एक डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा होता है, दिस इज़ वेरी इनह्यूमन,
कानूनन वो जुर्म है, और ये जो जिस तरह मैंने सियालकोट के वाक्य की इस बात दी, उसके जो जो डिसीजन आया है वो साबित करता है कि वो भी उसी उतने ही जो है वो जिम्मेदार है, उतने ही कसूरवार है, शरीक है जुर्म है। अच्छा, यहाँ क्योंकि अब मुझे कराची इस में पांच छह वाकयात ऐसे हुए, फिर उसके बाद एफआईआर काटनी शुरू की पुलिस ने। हाँ। पहला पहला वाकया हुआ, उन्होंने कहा वाह 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 वाह, डाकुओं को लोगों ने पकड़ा, मारा और आग लगा दी। अच्छा, ये इसी जगह हुआ था, रिसाला थाने के इलाके में। चलो जी, बात खत्म हो गई। फिर दो तीन दिन बाद एक और वाकया हो गया, उसके बाद फिर पुलिस ने एफआईआर काटनी शुरू की और वो कैमरे की मदद से बंदे अरेस्ट किए, तो ये वाकये कम हुए, वरना पब्लिक ने उधर ही फैसला करना शुरू कर दिया था। ये कितनी खतरनाक चीज है कि बजाय अपना अपने आप को एहतसाब के सामने पेश करें, जो बाकी मुल्कों में सरबराह कर रहे हैं, ये ऊपर से ब्लैकमेल करने शुरू हुए हैं, कभी शौकत खानम का नाम लेते हैं, कभी किसी का। लेकिन मैं समझता हूं कि ये आप इसमें से नहीं निकल सकते, इनको जवाब देने पड़ेंगे। सारी ऑपोजिशन फैसला कर बैठी है, ऑपोजिशन में भी जो इकट्ठा नहीं रह गए इस एहतसाब के, इनके एहतसाब करने पे, उनकी उनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कौम सारी फैसला कर बैठी है। मीडिया के अंदर जो भी एंकर हैं, जो भी कॉलम निगार हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी है, वो सब एक अब चीज़ चाह रहे हैं कि ये अब लोगों के सामने सच बोलें, बताएं इनके सासे किधर हैं, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बैठाएं। इससे ये पीछे नहीं हट सकते, हम इनको मौका देंगे। और 24 तारीख तक मैं देखूंगा, जब मैं इस्लामाबाद में इंशाल्लाह 20वीं सालगिरह हमारी तहरीक इंसाफ की होगी, उस दिन मैं अपना आपको आगे लाया मल दूंगा। तारीख को आपको आगे का लाया अमल दूंगा, और जो भी मामलात होंगे इसके बाद तय किए जाएंगे। अब सब यही चाहते हैं कि अपने तमाम तर मामलात आवाम के सामने पेश करें और सिर्फ सच बोलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जब वो एक वक्त ऐसा आता है जब वो अकेला हो जाता है और उसके बाद उसका सर्कल उसको सपोर्ट करना छोड़ देता है, वही तो बेसिकली ब्रेक उसका पॉइंट शुरू होता है, ब्रेकिंग पॉइंट शुरू होता है। मैं जनरली अगर आप देखें कि अगर आप फाइनेंशियली क्राइसिस के अंदर हैं, आप अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, एक इकोनॉमिक प्रेशर है और फैमिली आपको डिसअर्न कर देती है या आपके रिलेटिव आपको हेल्प करना छोड़ देते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो हिम्मत हार देता है। सिमिलरली अगर क्रिमिनल माइंड की बात करें, क्राइम के रिलेटेड लोगों की बात करें, तो हमने देखा है कि वो ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं, और ड्रग्स उसको डिप्रेशन के अंदर ले जाती हैं। साथ साथ क्राइम जो कर रहे होते हैं, वो क्राइम उसके फाइनेंशियल नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा होता है, उसकी हालत और उसकी मेंटल फिजिकल हालत जो है खराब से खराब तर होती जाती है, और वो अल्टीमेटली वो सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ वो भी जाता है, सही। और तीसरा जो एक पैटर्न है वो जो डिजीज वाला पैटर्न है कि आप फैमिली के किसी एक इशू की वजह से फाइनेंशियल सोशल प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन कोई एक सोशल प्रेशर है, जिस तरह किसी बच्चों पे तालीम का प्रेशर होता है, बच्चा मैथमेटिक्स नहीं पास कर पा रहा, आप इंजीनियरिंग में डाल दें, आप इंजीनियरिंग में डाल देते हैं और आप जोर लगा रहे हैं कि बेटा तुमने इंजीनियर ही बनना है। काउंसलिंग का सिस्टम नहीं है यूनिवर्सिटीज के अंदर, बच्चों की डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, एजुकेशनल सिस्टम अभी उसी पुराने पैटर्न पे चल रहा है, दो चार मेन फील्ड्स हैं। अब जाके हम भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, बुक्स का निजाम है और अब तो वहाँ एमसीक्यूज होते हैं, हमारे यहाँ तो बच्चा लिख लिख के परेशान हो जाता है। आई थी थ्री इडियट्स की, क्या वो उसमें एक बच्चा सुसाइड कर लेता है इसीलिए कि ये इंजीनियर बनाना चाहता था उसका बाप। अच्छा, एक बच्चा पढ़ाई छोड़ के भाग जाता है और वो पता नहीं कोई अपनी मर्जी से फोटोग्राफर बन जाता है, तो वो पता चलता है कि जी वो वर्ल्ड रिनाउंड फोटोग्राफर बन गया है जी, और वो उन बाकी लोग जो दोस्त थे उनको फीड करता है। एग्जैक्टली, और वो जब पढ़ने जाता है यूनिवर्सिटी क्लास में, तो उसको जो अपने वर्ड्स हैं वो डांसिंग करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसका ज़हन ही उस तरह का नहीं होता। पता चलता है कि वो जो पढ़ाई छोड़ के और फोटोग्राफर बन गया था, वो बाद में अपने उस साथी को जो रोज फर्स्ट आता था अपना मुलाजम रखता है अपनी कंपनी में। तो मेरा हिसाब किताब का, क्यों कि बच्चे ने एप्टीट्यूड के मुताबिक काम किया, उसका एप्टीट्यूड था फोटोग्राफी का, वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, कुछ बन गया और वो उसमें इतना ऊपर चला गया कि उसने फर्म खोल ली और लोगों को मुलाजम रखा। आप ये जो बात कर रहे हैं ना, एक एडिसन सब जानते हैं, एक बेहतरीन साइंटिस्ट था, उसको एक दिन उसके टीचर ने एक लेटर दिया और उसको कहा कि बेटा आप ये जाकर अपनी अम्मा को दे देना। वो घर आए, उन्होंने अपनी वालदा को वो लेटर दिया, उन्होंने खोला और उसके बाद उन्होंने एडिसन को पढ़ के सुनाया कि इसमें टीचर ने ये लिखा है कि आपका बेटा जो है वो बहुत होनहार है, बहुत अक्लमंद, बहुत होशियार बच्चा है, इसके अंदर बेशुमार सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन हम में ये हुनर नहीं,
कि हम उसकी सलाहियतों को जो है उजागर कर सकें, लोगों के सामने ला सकें, इसलिए आप इसे बेहतर स्कूल में या किसी और स्टूडेंट टीचर के पास जाकर बिठाएं। तो माँ ने क्या किया, माँ ने ये पूरा लेटर पढ़ के एडिसन को सुनाया और उसके बाद उनसे कहा कि ना अब मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। माँ ने बड़ी मेहनत की, उनको पढ़ाया और एक वक्त ऐसा आया कि वो एडिसन जो है वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गए। जो बल्ब है, ये जो रोशनी है, ये उन्हीं की दी हुई, अगर मैं कहूँ कि हमारे लिए एक ईजाद है। एक बार माँ की डेथ हो गई तो लेटर एडिसन के हाथ लगा, वो लेटर खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था आपका बेटा बेहद कुनजहन है, फजूल बच्चा है ये, जब ये क्लास में रहता है तो ये जोकर जैसी हरकतें करता है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं कि हम इस बच्चे को पढ़ा सकें या इसके अंदर क्या सलाहियत है ये हम नहीं जान सकते, इसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए आप इसे घर बिठाएं, हम नहीं इसे पढ़ा सकते। जब उसने वो लेटर पढ़ा तो वो हैरान रह गया, उसने कहा अगर ये मैंने उस वक्त मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया होता तो शायद मैं आज एडिसन साइंटिस्ट ना होता, लेकिन उस वक्त माँ ने जो मोटिवेशन दी ना, वो जो एक लम्हा था जिस लम्हे माँ ने ये फैसला किया कि मैंने आया इसको डांट डपट करनी है, मैं मारूं कि ये तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, बल्कि माँ ने, वो अकलमंद माँ थी, समझदार माँ थी, उस एक लम्हे ने, एडिसन की माँ थी ना, एक फैसले ने एडिसन की जिंदगी, सर एडिसन इसीलिए तो है अपनी माँ की वजह से। तो सर ये मोटिवेशन है ना जो हमें टीचर से या पेरेंट्स से मिलनी चाहिए, आज है ये सब चीजें हमारे मुआशरे जी। देखें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, जब आप इंडिविजुअल केसेस में जाते हैं कहीं ना कहीं ये चीज नजर आती है। हम जब स्कूल में थे उस जमाने में ये होता था, क्लास टेस्ट होते थे तो टीचर उस पर गुड वेरी गुड और इस तरह लिखते थे, हम बड़े हैरान होते थे कि हमें इतने नंबर कैसे मिल गए। वो एनकरेज करते थे बच्चों को कि अब इसको 40 में से 38 दे दिए तो अभी अगली दफा 40 पूरे लेगा, तो जान के देते थे वो इतने ज्यादा नंबर कि बच्चा अपने आप को एलिवेटेड फील करे और अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करे। और हम वो पर्चे वो जो फिर बांट देते थे वापस, हमें देते थे कॉपियां, तो हम उनको संभाल के रखते थे कि मेरे इतने नंबर आए, 40 में से 38 लिए हैं। हालांकि वो टीचर ने जान के दिए होते थे, मतलब वो 38 वाली बात नहीं होती थी, लेकिन वो इसलिए देते थे कि ये आइंदा दफा और तैयारी करें और इन नंबरों को मेंटेन करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर मैं पीछे चले जाऊं कुछ सालों पहले की बात करूं तो ये जो फैमिली प्रेशर्स है, ये जो अब हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गए, ये प्रेशर्स नहीं थे, लोग जॉइंट फैमिलीज में भी रहते थे, बड़ी अच्छी सुकून दे जिंदगी गुजारते थे, अपनी नेचुरल डेथ से मरते थे, ना ये बॉम्ब ब्लास्ट था, ना ये सुसाइड थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और वहाँ पर उस ज़माने में लोगों के पास ये हाई स्टैंडर्ड स्कूल भी नहीं हुआ करते थे, और जो उस्ताद थे वो ये कहता था कि ये मेरी औलाद है और अगर ये कामयाब होगा तो मैं अपनी ज़िंदगी में जो है वो फ़ख्र महसूस करूँगा, जो आज हम जो है बहुत मिस करते हैं। सर ये बताएं, आज जो है हम देखते हैं इतने लेवल के मॉन्टेसरी के बच्चे की 25,000 आप फीस दे रहे हैं, हमने तो इतने हजारों रुपए नहीं थे कि हम पढ़े, और आज का एक बार 1.5 लाख रुपया लेते हैं सिर्फ एडमिशन के टाइम पे, उसमें भी कहेंगे कि अभी रिवाज और अच्छा एक और रिवाज हो गया कि 8 महीने का बच्चा भी जाता है उसका भी एनरोलमेंट होता है सर, 8 महीने उसको कहते हैं प्ले स्कूल। सर एक मेरी फैमिली में मैं जानती हूँ, उनकी बेटी 3 दिन की हो गई थी तो उन्होंने कहा नहीं अब वो एजिंग की तरफ जा रही है, इसका एडमिशन नहीं हो सकता, जब आपने बेबी कंसीव किया था उसी टाइम आपको एडमिशन करा लेना चाहिए था। ये हाल है, मतलब अस्तगफिरुल्लाह कहने वाली बात है कि हमारे स्कूल सिस्टम ये है, वहाँ पर आप बच्चा आएगा या उसके घर कोई मेहमान आ जाए तो वो यूं करके खड़ा हो जाएगा, उसकी इतनी तरबियत नहीं है कि वो जाकर ये कहे कि अस्सलाम वालेकुम। ये 25,000, 40,000, 60,000 आप एक महीने की फीस लेके आपने इतना तो बच्चे को सिखाया नहीं कि बेटा तुम जाकर जो है वो तुम किसी बड़े को तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसको सलाम करो, इतनी तरबियत तो हम दे नहीं सके, तो फिर हमने इस पैसे को क्या, आग लगे ऐसे पैसे को जो हमारे बच्चों को तरबियत ना दे सके। लेकिन उससे और एक लेवल आगे की बात करें तो यहाँ पर माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। सर ये जो मैं एक ये भी एक इशू है ना हमारे माशरे का कि लोग जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं इसमें, और अच्छा पसंद करने का हक हमारा दीन देता है, ठीक है, लेकिन हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं जो सर भी हम आते हैं अक्सर डिस्कस करते हैं सवाले से, आप चीज़ों को बेहतर करना चाहें, अपनी फैमिली को मिक्स करना चाहें, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पर भी हम इमोशनल कर देते हैं अपने बच्चे को, और लड़कियाँ भी सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं और लड़के भी, ये भी एक फैक्टर है जी। ये बहुत बड़ी एक कैटेगरी, बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसको पुलिस डील करती है, और उसमें जनरली जो FIRs दर्ज होती हैं वो किडनैपिंग की होती हैं, अच्छा। के जी लड़की अगवा हो गई और इस तरह, लेकिन मैं आपको बड़ी वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये जो दोनों मिल के आपस में इमैच्योर होते हैं कि हम दोनों मर जाएंगे,
पता चला जी वो 14 साल के हैं, खुदकशी कर ली, पिछले दिनों खबर भी आई थी ना, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, दोनों ने मिलके खुदकशी कर ली जी, उसमें हमारे घर वाले एग्री नहीं कर रहे, वो स्कूल में जो हुआ नौवीं जमात वाले, हमने उस पर प्रोग्राम भी किया था जी, बिल्कुल मुझे याद है, मैं वही जिक्र कर रही थी कि हमने प्रोग्राम भी किया। नहीं, इसमें बिल्कुल बात दुरुस्त है, ये इस तरह के केसेस इसमें इस कैटेगरी में भी नजर आए हैं, लेकिन जो बेसिकली सर कह रहे थे जो मैग्नीट्यूड है उसका वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, सोसाइटी के अंदर लाजमी जब बच्चा या लड़की या लड़का घर से निकल जाते हैं कि उन्होंने जाके शादी करनी है, दैट मींस के सोसाइटी इसको सपोर्ट नहीं कर रही होती। और अगर नंबर ऑफ केसेस देखेंगे कि आपको अनलिमिटेड केसेस नजर आएंगे, मैं हालांकि मेरा जो एरिया है साउथ का है, लेकिन उसमें मैं देख रहा होता हूँ कि उसके अंदर ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है कि बच्चे कि निकल जाना, बच्चियों बच्चे और बच्चे का निकल जाना और फिर उस पर FIR होना और हमने उनको पकड़ के लाना और फिर, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जुडिशरी और पुलिस हमारा दोनों का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि हमने उसको हमेशा मेरिट पे देखा है, हमने सोशल प्रेशर्स को कभी उसमें एक्सेप्ट नहीं किया। जुडिशियल प्रोसेस के अंदर, जो लीगल प्रोसेस के अंदर है, हम उसको ज़रूर डेफिनेटली लेके आते हैं, और शायद ये एक वजह हो सकती है कि इसके अंदर सुसाइड्स अगर हो शायद मेरे ख्याल चांस ज़्यादा होगा, लेकिन इतने नहीं होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते बिकॉज ये प्रोसेस उसको अल्टीमेटली लीगलाइज करता है। उनका जो विल होती है बिफोर द मैजिस्ट्रेट या बिफोर पुलिस के सामने स्टेटमेंट जो देते हैं वो एक्सेप्ट की जाती है और अल्टीमेट वो चीज़ लीगलाइज हो जाती है। ऐसा है कि ये जो भागकर कोर्ट में आके और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ना, तो वो तो ये है कि उनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं और हौसला भी होता है, ठीक है, और वो एक शादी करके वो खुद कोर्ट चले जाते हैं, प्री अरेस्ट फेल कर लेते हैं, कुछ लोग थाने चले जाते हैं अपना निकाहनामा लेके कि सर हमने शादी कर ली है, हमारे घर वाले FIR कटवाने आए तो उनको ये कॉपी दे देना, ठीक है ना। तो वो लोग हैं जो रिसोर्सफुल हैं, जिनके पीछे कोई वकील है, जिनका कुछ है, लेकिन वो बेचारे जो शादी करना चाहते हैं, एक मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन ये भी हौसला नहीं है कि घर से भाग जाएं, ठीक है, तो वो एंड वो सुसाइड वाला अटेम्प्ट ले लेते हैं। मैं मेरा सिर्फ इस बात को कहने का मकसद ये था, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अगर आपका बच्चा, पहले तो आप उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि वो आपसे हर बात शेयर कर सके, और अगर वो कोई बात कह रहा है तो प्लीज थोड़ी सी देर के लिए खामोश होकर उसकी बात को सुने, क्योंकि हम सुनते आधा हैं और हम रिएक्शन पूरा देते हैं जो गलत हो जाता है, जिससे हम अपने बच्चों को भी जो है उनसे भी हाथ धो बैठते हैं। बस मेरा इस वक्त माशरे से यही दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे माँ बाप से, कि अपने बच्चों को अपने हाथों में रखें, क्योंकि ये जो माशरा है ये इतना संगदिल है कि आपने आपके बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, उसके बाद आपको खुद ही अजियत का सामना शेयर करें, देखें जिसको कोई गम भी है ना, अभी अपने हमारे SSP साहब ने 2 मरतबा बताया कि लोग फीसें बच्चों की नहीं दे पाते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, पॉवर्टी का सबसे उधार ले लेके थक जाते हैं, आखिर में करते हैं कमरा बंद किया गोली मार दी। तो बात यह है कि देखिए वो शेर भी है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे रो ब्या, यानी अल्लाह की इबादत करने के लिए तो फरिश्ते काफी थे, वो सारे इबादत कर रहे हैं, इंसान को जो पैदा किया वो दर्द दिल बांटने के लिए किया, बिल्कुल। तो बात यह है कि जिन लोगों के अंदर इस तरह की ये फ्रस्ट्रेशन है, कानूनी है, अपने मसाइल को अपने करीबी लोगों के साथ डिस्कस करें, और करीबी लोगों को भी ये चाहिए कि किसी के अगर मसाइल हैं तो थोड़ा उसको सुन लें, अगर मदद कर सकते हैं तो कर दें, नहीं कर सकते तो सिर्फ एडवाइस ही कर दें, एडवाइस करने में कोई पैसे नहीं लगते, और कुछ नहीं कर सकते तो दुख ही बांट लें, उसे यही कह दें कि हाँ तू सही कह रहा है, किसी के साथ खड़े हो जाना ही उस वक्त उसके लिए बहुत ढारस की बात होती है कि मेरे साथ कोई मोड़। वो फराज कहता है ना कि ये क्या कि सबसे बयान दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी, इसलिए कि आप जब किसी से बात करते हैं दिल हल्का होता है, तो एक अंदर भरा होता है ना, तो वो चाहता है मैं वेंटिलेशन जिसको कहते हैं वेंट्स, कि मैं अपनी बात किसी से करूं, तो कोई डिप्रेशन का जो मरीज है अगर उसका दिल गम से या नफरत से भरा हुआ है तो वो अगर किसी से बात करता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। सही। तो आप उनको प्लेटफॉर्म दें, मौका दें, घर के अंदर है तो आप उसको आधा घंटा दे दे के चाहे फजूल बात कर रहा है, आपको पता है कि ये, लेकिन आप सुने उसको, और सुनने आपको ये भी पता है कि ये बात 8वीं दफा कर रहा है, तो अब आप उसको झटक मत दें, उसको 8वीं दफा भी करने दें। सही। अच्छा ये बताएं, ये जो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं या आपसे, कौन कौन से खास, क्योंकि मुझे इस वक्त वाइंड अप करना है, कोई 1-2 पॉइंट ऐसे जो आप चाहेंगे जिस पर इस वक्त सोसाइटी को, आपको, कानून को, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा तो हम अपने बच्चों को बचा सकेंगे, तो कौन से ऐसे 2-3 पॉइंट हैं जो आप रेज कर सकेंगे इस वक्त? देखिए जी, मेरे ख्याल में कानूनी पॉइंट से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज ज्यादा हैं इसके अंदर,
کیونکہ جب ہم لوگ یونیورسٹی سے نکلے تھے تو اس وقت یہ ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا ایک کانسیپٹ آیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں یونیورسٹی یا ادارہ ایون جو جن اسکولوں کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں کاؤنسلنگ کے ادارے بنے ہوئے ہیں, بچے کو کاؤنسل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جیسا سر نے کہا کہ ایپٹیٹیوڈ کیا ہے اس کے اندر. اگر یہ بچہ اگر 8 دفعہ فیل ہوا ہے اور ایگزام پاس نہیں کر رہا ہے اور اتنا عرصہ اس کی ایج بھی 27-28 مینشن ہوئی ہے میڈیا میں, ہی واز ان امینس پریشر کہ وہ ایک چیز کو کر لے اور وہ کر نہیں پا رہا تھا, اور انفارچونیٹلی اس نے ڈیفینیٹلی رات کو اس بچے نے بہت محنت کی ہوگی, اس وجہ سے شاید وہ صبح اٹھا لیٹ ہے, اور پھر ہو سکتا ہے ٹریفک کی وجہ سے, ہو سکتا ہے کسی گاڑی کی وجہ نے کہا گاڑی خراب ہو گئی, تو وہ انڈر ڈیفینیٹلی ہی واز انڈر سوشل پریشر. اگر اس بچے کی کاؤنسلنگ کی جاتی اس میٹرک لیول پہ یا انٹر لیول پہ اور سمجھا جاتا کہ یہ اس چیز میں فیزیبل نہیں ہے تو پھر یہ ہمیں دن نہ دیکھنا پڑتا, اس کو فائن آرٹس کی طرف چلا جاتا, کسی اور اچھی طرف چلا جاتا. میں معذرت آپ کو مجھے کٹ کرنا ہے کیونکہ سیگمنٹ ختم ہو گیا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ آتے ہیں اپنا وقت دیتے ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ سر, اور بس اللہ محفوظ رکھے ہمیں ہمارے بچوں کو. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے. سلام پاکستان.